बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 चम्मच गुड़ लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें 1 चम्मच हमने सौंफ ली है, इसे हल्का सा कूट लिया है। इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे, आप चाहो तो खाली गुड़ भी डाल सकते हो। तो हमने शक्कर और गुड़ मिक्स किया है। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे इसमें हम। अब हमने गर्म पानी हल्का सा लेकर इन सबको मिक्स कर देना है, यानी चम्मच से हिलाकर गुड़ और शक्कर को गला देना है। तो इस तरह हम गर्म पानी में गला देंगे। ज़्यादा खौलता हुआ गर्म पानी नहीं होना चाहिए। ये हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। हमारा थोड़ा गुड़ बाकी है, इसको पहले गला लेंगे हम। अब इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और जायका भी बढ़ जाता है। अब इसे मिक्स कर देंगे हम। अब गेहूं का आटा लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम आटा गूंथ लेंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा गूंथ रहे। आटा हमें सॉफ्ट रोटी का आटा तैयार करना है, ज़्यादा हार्ड भी ना हो और नरम भी ना हो, इस तरह हमें तैयार करना है। और इसे 10 मिनट ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के बाद 1/2 चम्मच ऑयल मिलाएंगे और आटे को मसल लेंगे। हमने थोड़ा सा ऑयल मिला दिया है, अब इसे अच्छे से मसल लेंगे, यानी आटे को चिकना कर लेंगे। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। रोटी पे घी लगाएंगे, आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी जायकेदार रोटी तैयार हो जाती है सुबह के चाय के नाश्ते में। ये बहुत बढ़िया रहता है। इसमें इलायची और सौंफ की ठंडक है तो गुड़ की गर्माहट है। बहुत टेस्टी और लजीज रोटी बनाने के लिए ये तरीका ज़रूर अपनाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका ये टेस्ट कैसा रहा। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और आप भी हमारी तरह इस तरह रोटी बनाकर ज़रूर खाइए। आप हमारे YouTube चैनल पर मॉर्निंग मेनू देख सकते हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरीके से हमने रोटी, पराठे, थेपले वगैरह बनाया है। तो आप ज़रूर विज़िट करिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए, NS Art Classes, आपको अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह एक तरफ की लगा लीजिए, आप चाहो तो दोनों तरफ लगा लो। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिए।